तो यहाँ पे अगर इस सिचुएशन को हम लोग समझना चाहें तो सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है ठीक है इस कंटेनर में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है काफ़ी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अब यहाँ पे अगर हमें जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में वो है कि सपोज़ यहाँ पे जो एन वन मोलिक्यूल्स हैं इनकी जो स्पीड है ये है यू वन जो एन टू मॉलिक्यूल्स है इसकी स्पीड है यू टू एन थ्री मोलिक्यूल्स हैं इसके स्पीड है यू थ्री एंड सो ऑन ये लिस्ट आगे कंटिन्यू होता है ठीक है तो इस पूरे सिस्टम का रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब जिसे हम लोग वी आर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ये कितना है ठीक है तो हमें यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है बेसिकली तो ये हम लोग लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सारे स्पीड गिवेन है इसका स्क्वायर करते हैं तो यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ठीक है वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ठीक है तो ये इसका फॉर्मूला हो गया अगर हम लोग चाहें कि इसका जनरलाइज फॉर्मुला लिखें इन टर्म्स ऑफ समेशन तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं तो उसमें जो वी आर एम एस होगा दिस विल बी इक्वल टू समेशन मतलब यू एन स्क्वायर यहां तक जाएगा डिवाइड बाय समेशन एन आई वेयर अगेन आई गोस फ्रॉम वन टू एन ठीक है और इस पूरे का हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट ठीक है अगर हम लोग Uh, तो यही इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम ये जनरलाइज फार्मूला इन दोनों को ही हम लोग uh, यूज कर सकते हैं तो हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन गिवन है तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ए ऑप्शन है ये हमें uh,